नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। जी हाँ, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल चीज लेकर आया हूँ आपके सामने। तो बच्चे लोग, मैं क्यों लेकर आया हूँ, क्या लेकर आया हूँ, क्या कोर्स है, क्या सारी चीजें हैं, तो धैर्य रखिए, सारी बातें मैं आपको आज के फर्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, जी हाँ, अगर आपका सपना नीट है, अगर आपका सपना IIT JEE का देख रहे हैं और आप ढूंढ रहे हो कि मुझे फिजिक्स का वो बैच मिले, फिजिक्स की वो हेल्प मिले, फिजिक्स का वो कोई ऐसा बंदा मिले जो मुझे बहुत बेसिक लेवल से मुझे बहुत टॉप लेवल तक पहुंचा सके, तो उसी के लिए आप लोग सही प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं बच्चों। अभी हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं प्रगति बैच। जी हाँ, ये आज से स्टार्ट होने वाला प्रगति बैच, और इस प्रगति बैच में हम लोग नीट और JEE, जी हाँ, स्पेशल नीट और JEE के लिए हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बेसिक लेक्चर की। कौन सी लेक्चर की? बेसिक लेक्चर की। जो हाँ, क्या है बेसिक लेक्चर, क्या कैसे है, धैर्य बनाए रखिए। आज की क्लास आपको 10 मिनट में पूरे कोर्स की पूरी स्ट्रक्चर, हमारा मोटो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, जब तक आप हमारे मोटो से, हमारे मुहिम से अपने माइंड को कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तब तक हम सब लोग एक रथ पे कैसे दौड़ पाएंगे। इसीलिए आज की क्लास बहुत जरूरी है आपको जानने के लिए कि कैसे कैसे हमें नए आने वाले सेशंस के लिए कैसे हमें अपने एक साल लगाना है और क्या क्या हमें कैसे कैसे मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए, तो सबसे पहली बात बच्चों, आप एक बात समझिए। अगर आपका सपना है कि मैं नीट की तैयारी करूं, अगर आपका सपना है कि मैं IIT JEE की तैयारी करूं, और जैसा कि आपको पता है, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप JEE की तैयारी कर रहे हो, जो इस पूरे सिनेरियो का गैंगस्टर है, जो सबको चलाता है, उसका नाम है फिजिक्स। जी हाँ, ये सबसे बड़ा गैंगस्टर है इसका। ठीक, ये भाई साहब कहते हो मुझे अपना बना लो, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ये ऐसा कहता है। और अगर आप एक बार मुझसे अगर दुश्मनी कर लो, तो यकीन मानो मैं तुम्हारा रिजल्ट नहीं होने दूंगा। तो इससे दुश्मनी तो हम मोल ले नहीं सकते, तो ठीक है सर, इससे दोस्ती कर लेते हैं। बट जब हम ये फिजिक्स पढ़ने आते हैं, तो हम इसमें क्या पाते हैं कि सर, फिजिक्स पढ़ तो लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, पर फिर भी न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं बनते? वो कौन सा चीज है जो हमें JEE नीट तक पहुंचने नहीं दे रहा है? वो कौन, कहाँ पे मेरी अटेम्प्ट में कमी आ जाती है? तो प्यारे बच्चों, इस पे बहुत महीन बातें हैं, ऊपर ऊपर से ये बातें करने वाली नहीं है, क्योंकि अगर ऊपर ऊपर की बातें होती तो आप खुद ही पता कर लिए होते। तो बहुत छोटी छोटी डीप बातें हैं जो आपको समझनी होगी। जो इस कोर कॉन्सेप्ट को समझ गया, वो आराम से अपना फिजिक्स का न्यूमेरिकल आराम से ठीक करके जा सकता है नीट और JEE लेवल तक। तो प्यारे बच्चों, तीन कैटेगोरी में मैं फिजिक्स को बांटता हूँ। सबसे पहले इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, उसके बाद एडवांस लेवल। ठीक है, इजी लेवल जो हम लोग बोर्ड की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वहाँ हम लोग थ्योरी और प्लस न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव ये सब करके हम लोग कर लेते हैं। मॉडरेट लेवल और एडवांस लेवल, हम इससे कुछ हद तक मॉडरेट तक पहुँच पाते हैं, बट फिर भी पूरे मॉडरेट को हम लोग, मतलब मीडियम लेवल को हम लोग टच नहीं कर पाते। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग क्लास में, जहां भी, अगर आप लोग जो भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, अगर आप फाउंडेशन बैच कर रहे हो, तो प्लीज उसको करते ही रहिए, क्योंकि फाउंडेशन बैच आपको बहुत जरूरी है छोटे छोटे थ्योरीज वगैरह को डीप में समझने के लिए। बट नीट और JEE चर्चा करता है न्यूमेरिकल सेक्शंस पे, तो हम लोग सिंपल सी बात है, हम लोग उतना ही थ्योरी पढ़ेंगे जितना से आपका काम नीट JEE के लिए चल जाए। और नीट JEE में काम चलाने वाले थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोगों का पूरा फोकस होगा इस मॉडरेट और एडवांस लेवल न्यूमेरिकल पे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इन चीजों को पढ़ रहे हो, तो आप इसमें बिल्कुल भी जंप कीजिए, आपके लिए प्रगति बैच बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि जो आपकी बोर्ड लेवल की पढ़ाई होती है, मतलब बेसिक लेवल की पढ़ाई होती है, वो तो आपकी हो जाएगी वहां पर, बट आप अगर खुद को एडवांस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, तो प्रगति बैच आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो कहिएगा सर, एडवांस लेवल तक के डायरेक्ट लेकर जाएंगे? नहीं, मैंने कई लोगों को ये देखा है प्यारे बच्चों, कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, सीधे आते हैं, एक थ्योरी, एक न्यूमेरिकल, फिर वहां पहुंचा दिए। तो ये जो तरफ होती है, ये जो आप तरपते हो, ये जो आपके बीच में बाउंस मारते हो, इसके बीच में गैप काफी ज्यादा हो जाता है। क्योंकि एक सवाल तो टीचर ने बना दिया, आपने ये प्रैक्टिस कर लिया, पर आप जब रियल सवाल से मुलाकात करते हो, तो मालूम चलता है ये बुमबड़ा मार रहा है। तो ये जो बीच का जो गैप है, क्योंकि देखो टीचर्स की भी गलती नहीं है, वो क्या सोचते हैं कि बच्चे इतना जानते ही होंगे, तो इस लेवल के मारते हैं। लेकिन बच्चों के साथ बहुत छोटी छोटी लेवल पे प्रॉब्लम्स आती है, उस प्रॉब्लम्स को हम लोगों को सॉल्व करना। ऐसा नहीं कि 90% बच्चे नहीं समझते, बहुत सारे बच्चे समझ जाते हैं, जो समझ जाते हैं मोस्ट वेलकम, उसके लिए तो कोई समस्या नहीं है। मैं यहाँ आया उन बच्चों के लिए जिनका मोटो है कि मैं लाइफ में ये करूं, बट उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो करना तो चाहते हैं,
बट उनके जो हेल्प चाहिए, जो उनको जो एक स्टेप बाय स्टेप, जीरो से लेकर स्टेप बाय स्टेप चीज ऊपर तक जाए, वो नहीं हो पाती। उसमें वो गैप महसूस करते हैं। उसी गैप को हम लोग भरने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर लाए हैं प्रगति बैच। इस बैच में हम लोग क्या करेंगे, पहले न्यूमेरिकल का लेवल बेसिक 1 रखेंगे, फिर न्यूमेरिकल के लेवल को बढ़ाकर 2 करेंगे। ठीक, तो यहां पर आएगा नीट, हम इस दोनों में नीट की तैयारी कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग न्यूमेरिकल के लेवल को थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाएंगे। तो जब ये जेई तक जाएगा प्यारे बच्चों, तो नीट का एडवांस भी इसमें आ जाएगा। तो हम लोग इस तरह से स्टेप बाय लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल्स के लेवल को बांटेंगे। फिर भी जिस तरह थ्योरी की अपनी क्लासिफिकेशन होती है प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल्स की भी अपनी क्लासिफिकेशन होती है। जैसे हम लोग ये मानते हैं कि कुलम्स का नियम पर है, तो पहले बेसिक लेवल का न्यूमेरिकल कीजिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट को लाके मैक्सिमा मिनिमा ये सब को लेकर बढ़ाएंगे। फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो सुपर एडवांस 11 के कॉन्सेप्ट को 12 के कॉन्सेप्ट के साथ मैच करेंगे। तो ये इसकी एक लेवल वाइज होती है। अगर आप इसको लेवल वाइज नहीं पढ़िएगा और सीधे कूद जाइएगा, तो वैसे बच्चे ही क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, अपनी फिजिक्स खराब करते हैं, और बाद में जाकर उसको पता ही नहीं चलता कि मेरी फिजिक्स खराब कैसे हुई, टीचर भी बहुत बढ़िया है, हमने भी ये फॉर्ट लगाया और इसी फॉर्ट का टीचर भी बढ़िया, ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो प्रॉब्लम प्यारे बच्चों छोटी छोटी चीजों में आती है, जो मैंने एक्सपीरियंस से गेन किया है। तो जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया, वो प्रॉब्लम मैं आप तक फेस नहीं होने दूंगा, आप तक नहीं पहुंचने दूंगा प्यारे बच्चों। तो अगर आप इस एक्सपीरियंस के साथ आप जुड़ना चाहते हो, अगर आप भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल में स्ट्रगल, ये छोटी छोटी चीजें महसूस करते हो, तो आप जुड़ जाइए और मैं आपके साथ प्रॉब्लम के साथ इसको सॉल्यूशन करवाते हुए, एक कुछ दिनों के बाद ही आपको लगना चालू हो जाएगा इस बैच में कि हाँ सर, मेरी फिजिक्स की जो प्रॉब्लम थी, जो बेसिक बेसिक लेवल पे चीजें थी, वो क्लियर हो गई, तो मेरी न्यूमेरिकल भी ठीक हो गई। तो प्यारे बच्चों एक बात समझिए कि अगर आपने कितना ही महंगा जूता हो लिया हो, लेकिन उस जूता के अंदर एक छोटा सा कंकर फंस जाए, तो आपको पूरे रास्ते चलने में तकलीफ होगी। वही छोटे छोटे कंकर को हमको निकालने हैं, बेसिक को ठीक करना है, बाकी तो आप कर ही लोगे। तो इसीलिए प्यारे बच्चों मैं आपके लिए प्रगति बैच लेकर आया हूँ। इस प्रगति बैच में क्या होगा आप लोग सुन लीजिए, डेली, जी हाँ, ये फाउंडेशन कोर्स की तरह काम करेगा, है ना, फाउंडेशन कोर्स की तरह काम करेगा। इस फाउंडेशन कोर्स में प्यारे बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, थ्योरीज पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, आईआईटी जेई के न्यूमेरिकल्स करेंगे, नीट के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना, ये सारे हम लोग इसको इसमें करेंगे। अब प्यारे बच्चों इसको हम लोग कर रहे हैं आईआईटी और नीट के पर्पज से, तो हम लोग उसी पर्पज के न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो पहला मैं आपको अपना डीपीपी दूंगा, जो करेंट, जो टॉपिक करेंट पढ़ाऊंगा उस पर डीपीपी दूंगा। दूसरा मैं पीवाईक्यू करवा दूंगा नीट और जेई का, पीवाईक्यू बहुत हेल्प करता है आपको एक लेवल को टच करने में, ठीक है ना। और तीसरा हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहली बात आपको रिवीजन मिलेगा, जी हाँ, रिवीजन के लिए बुकलेट मिलेगा कि हाँ भैया आपने ये टॉपिक पढ़ लिया है, इस पर हम रिवीजन करके क्या करें, उस टॉपिक को वापस रिगेन करें, ठीक है ना। उसके लिए मैं आपको रिवीजन बुकलेट दूंगा। और सबसे ऊपर टेस्ट सीरीज, हाँ प्यारे बच्चों ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, ये सब कुछ आपको मिलेगा, डीपीपी, पीवाईक्यू, उसके बाद रिवीजन बुकलेट, और फिर हमारे पास आता है टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें मिलेगी। ये सर ये चीजें कहाँ मिलेगी, तो सबसे बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, तो ये मिलेगा यूट्यूब पर, यूट्यूब पर न्यूटन फिजिक्स का ये यूट्यूब चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन भी आपको मैं सब कुछ आपको मिल जाएगा, लिंक सारा का ये आपको मिल जाएगा। डेली आपको 12 बजे आपको डेली आपको जुड़ जाना है, ठीक है प्यारे बच्चों, दिन में 12 बजे आपको डेली जुड़ जाना है। उसके बाद आपको इस पे डीपीपी वगैरह भी मिल जाएगा, डीपीपी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, सबका लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए। और इस सबसे अगर बचना चाहते हैं तो सबसे अच्छा हमारा एप्लीकेशन, जैसे आते ही मैं यहाँ लिंक डाल दूंगा, एप्लीकेशन पे सब आपको सिस्टमेटिक मिल जाएगा। तो कई प्लेटफॉर्म में आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। तो चलिए जब इस क्लासेज को करेंगे तो आप खुद ही डिफरेंस महसूस करेंगे कि हाँ सर कितना डिफरेंस आ गया, कि जब कोई हमारे साथ हमारे जैसा कोई एक आदमी आकर हमारी छोटी छोटी समस्या को समझकर अगर उसे ठीक कर दे, तो हमारे लिए फिजिक्स कितना आसान हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। वरना वो चल रहा है तीरघात, तुम चल रहे हो वीरघात, बीच में आ जाता है गैप, उसी गैप को फुलफिल करने के लिए हम लोग आप यहाँ के सामने हैं, आपके सामने हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहली बात है कि क्लास 12th के अगर मुझे नीट और जेई की तैयारी करनी है, तो हमारे सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, कैसे हम लोगों ने सिलेबस को बांटा है, उन सारी चीजों को समझने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो हम लोग यहाँ क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर्स
चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, ठीक है, चैप्टर्स का क्या देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है ना, बंटवारा देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो चीज आई मानव की, मतलब कि जिन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने जब ये देखा, तो उन्होंने क्या पाया, एक चीज के बारे में पता किया जिसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज। क्योंकि मैं अभी चैप्टर पे जा रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है प्यारे बच्चों। जब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में उसने जाना, तो उसने बोला कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज को दो तरह से अध्ययन कर सकते हैं, एक जब वो रेस्ट कंडीशन में हो और एक जब चार्ज मोशन वाले कंडीशन में हो। यहां प्यारे बच्चों, जब वो रेस्ट कंडीशन में हो, जब वो मोशन वाले कंडीशन में हो। रेस्ट कंडीशन का मतलब हुआ प्यारे बच्चों कि जब कोई चार्ज, जैसे आप बैलून को यहां पे ऐसे रब करोगे तो बैलून प्लास्टिक है तो उस पे चार्ज रह जाएगा तो वो रुका हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी अगर कोई तार पे दोगे तो दौड़ जाएगा, अगर बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दोगे तो एक बार चार्ज रुका हुआ है, एक बार चार्ज चल रहा है। तो जब चार्ज रुका होता है तो उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जब चार्ज चल देता है तो उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। जी हां, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। जब हम इस चार्ज का प्रभाव देखते हैं, है ना, तो दो तरह से देखते हैं। कैसे देखते हैं, एक बार बिना डायरेक्शन के देखते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज का इंपैक्ट प्रभाव अगर तुम डायरेक्शन के साथ देखोगे प्यारे बच्चों, और उसका इंपैक्ट बिना डायरेक्शन के देखोगे, विदाउट डायरेक्शन, जी हां विदाउट डायरेक्शन, तो जब डायरेक्शन के साथ देखोगे तो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 बन जाएगा, जिसको पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और जब इसी इलेक्ट्रिक चार्ज, रुके हुए इलेक्ट्रिक चार्ज का इंपैक्ट बिना डायरेक्शन के पढ़ोगे, मतलब स्केलर तरीके से, इसको बोलेंगे वेक्टर तरीका से और इसको बोलेंगे स्केलर तरीका से, स्केलर, तो स्केलर से पढ़ोगे तो ये बन जाएगा बउआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो आप देख सकते हो कि हमने चैप्टर का निर्माण कैसे किया। तो चैप्टर नंबर 1 जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में रेस्ट कंडीशन में बिना डायरेक्शन के, सॉरी डायरेक्शन के साथ, तो वेक्टर तरीके से, तो ये चैप्टर बना। और जब उसी इलेक्ट्रिक चार्ज को रुके हुए कंडीशन में पढ़ेंगे, डायरेक्शन के बिना पढ़ेंगे, तो उसका सेकेंड चैप्टर बन जाएगा। ये हमारा थर्ड चैप्टर है। थर्ड बात खत्म हो जानी चाहिए थी, पर नहीं प्यारे बच्चों, बात यहीं पे खत्म नहीं, बात क्या है, अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। तो इलेक्ट्रिक करेंट जहां से भी प्रोड्यूस हुआ था, तो इलेक्ट्रिक करंट अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा था। इस बात को ऑरेस्टेस साहब ने पकड़ लिया और बोला कि भैया इलेक्ट्रिक करंट तो हमको आइडिया दे रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिक तार जहां से भी करंट गुजर रहा है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो यहां पर कह सकते हो कि अगला आपको जो चैप्टर पढ़ना चाहिए उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जी हाँ, उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब सवाल है, चैप्टर नंबर 4 के बाद एक वैज्ञानिक थे माइकल फराडे, उसने सोचा एक बात बताओ तो भैया, तो बोले क्या बताना है, जब इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है तो क्या उल्टा हो सकता है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड करंट को उत्पन्न कर दे। तो बोले कि इसके लिए आप क्या लेकर आओगे, तो बोला कि मैग्नेट लेकर आओगे। तो सबसे पहले आपको अगला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा मैग्नेट के बारे में, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो हमने पढ़ लिया कि ठीक है सर, मैग्नेट के बारे में पढ़ लिया। तो बोलते हैं जी हाँ बिल्कुल, ये बात माइकल फराडे ने प्रूफ कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेना पर, कि अगर इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उत्पन्न कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो मैग्नेट भी इलेक्ट्रिक करंट को उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 का निर्माण हुआ, यहाँ उल्टा भी संभव है, यानी इसको बोलते हैं, इस फेनोमेना को बोलते हैं जिसने करके दिखाया इलेक्ट्रो मैग्नेटिक
इंडक्शन, मतलब इससे प्रूफ होता है कि मैग्नेट भी इलेक्ट्रिक करंट को उत्पन्न कर सकता है, उल्टा भी संभव है। ठीक, तो ठीक है सर, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो गया, अब कहानी खत्म हो जानी चाहिए। नहीं, कहानी खत्म नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये जो करंट था उसको बोलते थे डीसी करंट, मतलब डायरेक्ट करंट, एक जैसा करंट बह रहा है। लेकिन ये जो उत्पन्न करवा दिया माइकल फराडे ने, ये जो उत्पन्न करवाया वह करवा दिया एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टर करंट मतलब कि एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब एक बार आगे जा रहा है एक बार पीछे आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सबसे पहली बात, पहले जो करंट आ रहा था वो डीसी आ रहा था, पर इस फेनोमेना से जो करंट उत्पन्न हुआ वो कौन सा हुआ? एसी हुआ। तो आपको ये पूरी कहानी पहले समझ में आई कैसे काम कर रहा है? जी सर, पहले चार्ज आया, चार्ज को दो तरीका, रेस्ट और मोशन। रेस्ट में पढ़ेंगे तो इसके प्रभाव को दो तरीके से पढ़ेंगे, एक बार डायरेक्शन के साथ, एक बार बिना डायरेक्शन के साथ। डायरेक्शन के साथ पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, बिना डायरेक्शन के पढ़ेंगे तो पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। उसके बाद मोशन में अगर पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अगर चार्ज मोशन में आया, करंट आया, तो करंट अपने साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी लेकर आएगा। उल्टा सोचने के लिए मैग्नेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उल्टा भी आ गया बिल्कुल। मैग्नेट क्या उत्पन्न कर सकता है? करंट को। उस फेनोमेना का नाम पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट। लेकिन जो वो करंट उत्पन्न किया वो नॉर्मल करंट नहीं था, बल्कि ऑल्टरनेटिव करंट था। अब सवाल यहां पे खत्म नहीं हुई। ठीक है, अब देखो आठवां नंबर। अब ये कहता है कि जैसे ही ऑल्टरनेटिंग करंट आया, मतलब एक बार चार्ज खटाक, फिर धीरे खटाक, फिर धीरे खटाक, फिर धीरे, मतलब चार्ज एक्सेलरेशन में आ गया। और जब चार्ज एक्सेलरेशन में आएगा तो चार्ज अपने साथ एक्सेलरेटेड चीज अपने साथ फोर्स रखता है, और बिना कोई एनर्जी दिए चार्ज को एक्सेलरेशन में नहीं ला सकता। बिना फोर्स दिए, बिना एनर्जी दिए कोई चार्ज एक्सेलरेशन में नहीं आएगा। तो हुआ, जब अल्टरनेट करंट आया तो यह अपने साथ एनर्जी भी लेकर आया, और एनर्जी को वेव कहते हैं। और चूंकि यह किस घटना पर आया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक घटना पर, इसीलिए यह अपने साथ एक चीज और लेकर आ गया जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो यह आपका एनसीईआरटी का पूरा कनेक्शन है। तो आपको समझ में आ गया कि नीट और जेई आपस में बहुत सारे चैप्टर्स को कैसे मिक्स कर देते हैं, क्योंकि सबका एक ही कॉन्सेप्ट है, चार्ज रेस्ट मोशन। रेस्ट दो तरह से, स्केलर वेक्टर, मोशन अपने साथ मैग्नेट लाएगा। उल्टा करने के लिए मैग्नेट पर है, उल्टा होने के बाद बिल्कुल ये घटना पर उल्टा भी हुआ, लेकिन उल्टा होने पे जो करंट आया वो अल्टरनेटिंग आया, और अल्टरनेटिंग करंट अपने साथ एनर्जी लेकर आया, तो उसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सिंपल, ठीक है। तो आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट बुक खत्म हो गया, क्या बोलती पब्लिक? सिंपल। अब एनसीईआरटी का सेकेंड बुक चालू होगा, तो कर दीजिए चालू। डरते हैं क्या? बिल्कुल नहीं डरो, हम है ना यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी के सेकेंड बुक को चालू कर रहे हैं, एनसीईआरटी। अब देखो, ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया ना, ये आठ प्रकार के होते हैं, गामा रे, रेडियो वेव, लाइट को, लाइट भी इससे अंदर आया। तो बोला लाइट आया, तो बोलेंगे हाँ। तो बोला लाइट को पढ़ेंगे, तो बोले कि चैप्टर नंबर नौवा बना दो। तो बोला लाइट तो दो प्रकार के होते हैं, एक लाइट को रे लाइट बोलते हैं, किरण की तरह ऐसे चलता है, और एक लाइट जो है वो वेव के रूप में चलता है। वो किस तरह से चलता है? वेव के रूप में। ठीक है, तो वेव के रूप में कैसे चलेगा? ठीक है, तो वेव के रूप में चलेगा, तो इसको बोलेंगे वेव ऑप्टिक्स, और इसको बोलेंगे रे ऑप्टिक्स। ठीक है, अब लाइट ना रे है ना वेव है, आइंस्टीन साहब कूद गए, बोले कि भैया हाइजन बोलता है कि वेव है, न्यूटन बोलते हैं कि रे है, तो भैया ये है क्या? तो आइंस्टीन बोलता है ना रे है ना वेव है, दोनों को मिला दो, डुअल नेचर, फोटोन। ये रे भी है वेव भी है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, मतलब लाइट के दो प्रॉपर्टी, किसी भी मैटर के दो प्रॉपर्टी शो होता है, एक तो रे और एक तो वेव। एक बात बताइए, लाइट उत्पन्न कैसे होता है? तो किसी एटम के निचली कक्षा से लोअर ऑर्बिट में एनर्जी दोगे, वो अपर में आएगा, जब वो अपर से वापस लोअर में आएगा तो एनर्जी को रिलीज कर देगा, उसी को लाइट कहते हैं। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर रिलीज करेगा तो अलग अलग वेव प्राप्त होगा, लेकिन लाइट भी इसी तरह से प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको लाइट को समझना है तो समझना होगा एटम के संरचना को, एटम क्या है।
कैसे इलेक्ट्रॉन उसमें रहते हैं, कैसे नीचे आता है, कैसे ऊपर जाता है। और जब एटम समझ जाइएगा तो एटम समझते समझते आपको न्यूक्लियस भी समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना न्यूक्लियस के एटम का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नाभिक से ही बंधा हुआ होता है इलेक्ट्रॉन, जिसको मिलाकर एटम बनता है। तो हमने नाभिक के बारे में पता लगा लिया, न्यूक्लियस। अब तुम ये सब किए क्यों थे, तो आपको ध्यान आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही सारी कहानी चालू हुई थी। वेव के अंदर लाइट आया, लाइट दो प्रकार के हुआ, बोला कि दोनों नहीं है, हम अलग बनाएंगे, दोनों को साथ मिलाकर। आया कहाँ से, एटम से, एटम पढ़े तो न्यूक्लियस, मजबूरी में पढ़े। लेकिन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हमारे यहाँ आसपास मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है, ठीक है, तो क्या नेटवर्क दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा, क्या पकड़ के मोबाइल में लगा देंगे, क्या नहीं लगेगा ना। तो उसको पकड़ने के लिए कोई यंत्र चाहिए, तो जो यंत्र सिग्नल को पकड़ पाता है, चीजों को पकड़ पाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पकड़ता है, उस यंत्र को बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। इसीलिए इसकी इतनी मारा मार है, सेमी कंडक्टर। और जब इसको पकड़ लेता है तो इससे हम बातचीत करते हैं, हेलो कौन, हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे जो बातचीत हो रहा है तो उससे कम्युनिकेशन हो रहा है आपका। तो हमारा अगला बन जाएगा कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। और हमारा 12th खत्म हो गया, बस इतना ही तो है। अब आप ध्यान से बताओ पूरी फिजिक्स कितनी आसान है यार, इतना ईजी है। तो आप फिजिक्स में आज के बाद कभी मत बोलना कि बहुत भारी है यार, मेरे साथ रहो यार, मैं तुम्हारा नीट जेई ऐसे ही निकलवा दूंगा, मतलब निकलवा दूंगा, मेहनत तुम्हें ही करना पड़ेगा, बस मैं जो प्रोसेस देता हूँ भाई वो तू कर ले। ये इतना इजी चीज है कि अब आपको लग रहा होगा कि हाँ सर, मतलब ये तो सिंपल सा कनेक्शन है यार। चार्ज दो प्रकार के, एक रेस्ट और एक मोशन। रेस्ट में दो इम्पैक्ट, वेक्टर स्केलर, दो चैप्टर बना। इलेक्ट्रिसिटी तीसरा बना, ये अपने साथ मैग्नेटिक इफेक्ट आया चौथा बना। उल्टा करने के लिए मैग्नेट पढ़ेंगे पांचवा बना। उल्टा उत्पन्न होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से होगा, जो उत्पन्न हुआ वो करंट हुआ, करंट अपने साथ एनर्जी लाया तो वेव हुआ, खत्म। इस वेव में एक स्पेशल आया लाइट, इसको दो तरीका है पढ़ने का, रे और वेव। मालूम चला दोनों को मिला देंगे तो डुअल नेचर हो जाएगा। इस लाइट को समझने के लिए एटम को समझना पड़ेगा, एटम के लिए न्यूक्लियाई, और इसको पकड़ने के लिए सेमी कंडक्टर, और सेमी कंडक्टर आ गया तो इससे जो संचार बनेगा उसके लिए कम्युनिकेशन सिस्टम, खत्म कहानी, बस 12th खत्म। तो प्यारे बच्चों बस इतना ही तो चीज है यार, इसीलिए तो मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि तुम्हारी समस्या कहाँ आ रही है, मैं करवा दूंगा। नीट जेई के लिए टेंशन मत लो, वो मैं फिजिक्स में आपका करवा दूंगा। तो प्यारे बच्चों बस आपको करना क्या है कि आप ये भीड़ मत देखो, कितने लोग लगे वो मत देखो, तुम अपना ध्यान दो कि मुझे क्या करना है, तुम्हें खुद को बेस्ट बनाना है। लाखों करोड़ों लगे उससे मुझे क्या मतलब है, ठीक है ना, मतलब सिर्फ तुमसे है, तुम खुद पे ध्यान दो। जिस दिन तुम अपने आप पर अपना 100% दे दियो, कोई माई का लाल जन्म नहीं लिया है कि तुम्हारा सीट यहाँ से छीन ले। अगर मैं अपने 100% दे के पढ़ा दूं, न्यूटन फिजिक्स से बेस्ट पढ़ाने वाला कोई जन्म नहीं लिया है। अगर तुम अपने आप से बेस्ट दे दो अपना 100%, तुमसे बेस्ट पढ़ने वाला कोई जन्म नहीं लिया है। तो कहने का मतलब यही है बेटा कि बेस्ट बनना है तो बेस्ट के लिए क्या, अपना 100% डेडिकेशन लगाना है, 100%, 1% भी कम नहीं होना चाहिए। और 100% कैसे होगा, नो फोन्स, नो रील्स, ये सब कुछ नहीं, क्योंकि यहां गए फिर आपका परसेंटेज लूज हो जाएगा। हमको 100% डेडिकेशन दो एक साल और देखो मैं कैसे निकलवा के आपको समझ दे देता हूँ। बस 100% चाहिए मुझे तुमसे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये आपका हुआ सिलेबस, और इस सिलेबस के बाद हम लोग कल से चालू करने वाले हैं, जी हाँ कल से हम लोग चालू करने वाले लेक्चर वन, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टीज। तो प्यारे बच्चों कल से आप लोग रेडी हो जाइए कॉपी कलम लेकर, और मैं आपके बीच कल वापस उपस्थित हूँ 12 बजे इसी टाइम पे। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, सभी को नमस्कार, और बढ़िया से इस बार होगी जीत नीट पर और जेई पर भी, सबके लिए गर्दा उड़ाएंगे। बस आपको बस एक काम करना है प्यारे बच्चों, बढ़िया से डेडिकेशन से मन लगाकर जैसे ऑफलाइन में बैठते हो उसी तरह ऑनलाइन में पैर वर धोकर बढ़िया से पानी वानी लेकर बैठो, और डेडिकेशन लो कि 1 घंटे मुझे कुछ नहीं, सारे नोटिफिकेशन मोबाइल के ऑफ कर दो, सारे नोटिफिकेशन ऑफ, सिर्फ और सिर्फ वही चलेगा आपके YouTube चैनल पर, इस तरह कर दो और बस देखते चले जाओ। और प्यारे बच्चों मेरा वादा है आपसे, अपना 100% 1 घंटा खुद को वहां पर टिका के रखिए, मैं आपको क्या से क्या बना दूंगा, आपको खुद नहीं पता चलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए बाय बाय, टेक केयर सभी को।